सो हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू ICSE रैंकर्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन MCQ का फेवरेट टॉपिक है और ये 2 मार्क्स का आता है। तो लेट्स स्टार्ट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अब हम इसके नाम से इसका काम जानेंगे। यूनिफॉर्म मतलब कॉन्स्टेंट, लेकिन क्या चीज कॉन्स्टेंट है? इसमें स्पीड कॉन्स्टेंट है। सर्कुलर मतलब इन अ सर्कल पाथ, एंड मोशन मतलब मूवमेंट। सो इसको डिफाइन करेंगे, द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर विद कॉन्स्टेंट स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखते हैं, जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही होती है तो उसपे कौन कौन से एक्सेलरेशन और वेलोसिटीज होती है। तो अब हम मानते हैं यहाँ एक बॉडी है जो सर्कुलर पाथ में घूम रही है, तो उसकी एक वेलोसिटी होगी जो है v, और सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होगा जो होगा ac, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और यही चीज हर बार होगी। अब ये बॉडी इधर आएगी तो इसका वेलोसिटी होगी v, और सेंटर पे एक्सेलरेशन होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, फिर होगा सेंटर पे एक्सेलरेशन, फिर होगा सेंटर की टुवर्ड्स एक्सेलरेशन। अब देखते हैं इसकी स्पीड हर बार कॉन्स्टेंट रहेगी। देखिए, यहाँ पे भी v है, यहाँ पे भी v है, यहाँ पे भी v है, और यहाँ पे भी v है। इसका मतलब स्पीड ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, जैसे कि डेफिनेशन में भी था, स्पीड इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होता है। देखिए, पहले ये डाउन चल रहा था, फिर ये लेफ्ट साइड चल रहा है, अब ये अप चल रहा है, और फिर ये राइट चल रहा है। इसका मतलब जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो हर बार चेंज हो रहा है। अब डायरेक्शन पे जो जो चीजें डिपेंड करती हैं वो भी चेंज होंगी, मतलब जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं वो सब क्या होंगी? वेरिएबल। जैसे कि वेलोसिटी विल चेंज, वेलोसिटी चेंजेस। अब वेलोसिटी किसकी वजह से चेंज होती है? जब किसी बॉडी में कोई एक्सेलरेशन आता है, वेलोसिटी तभी चेंज होती है। और इसमें केवल एक एक्सेलरेशन है, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, विच इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। सो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इसी की वजह से सर्कुलर मोशन, इसके बिना सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही। सो अब देखते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसको हम डिनोट करेंगे ए सी से, इज इक्वल टू स्क्वायर बाय आर। दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स। अब इसके फॉर्मूले देखिए, v इज अ स्पीड एंड इट इज, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये हमेशा रहेगा, लेकिन जो इसकी डायरेक्शन होगी ऑलवेज चेंज करती रहेगी, जैसे कि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करती है, वैसे ही इसकी भी डायरेक्शन क्या होगी? चेंज होती जाएगी। अब देखते हैं फोर्स कौन सा लग रहा है। अब एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है तो फोर्स भी होगा सेंटर की तरफ, एंड दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसकी वैल्यू होती है एम ए सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। अब फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब इसकी भी मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट रहेगी, लेकिन जो डायरेक्शन होगी वो चेंज होती जाएगी। जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, जब भी डायरेक्शन चेंज होती है तो वो भी चेंज होती जाती हैं। अब हमने इसमें देखा कि यहाँ पे जो स्पीड है वो क्या है? कॉन्स्टेंट। तो अब स्पीड किस में आती है, किसके फॉर्मूले में? और आती है काइनेटिक एनर्जी, विच इज हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कॉन्स्टेंट होती है पूरे टाइम इन सर्कुलर मोशन। तो अब देखते हैं कौन कौन सी चीजें कॉन्स्टेंट हैं और कौन सी चीजें नहीं है। देखिए, कॉन्स्टेंट होंगी जितनी भी स्केलर क्वांटिटीज हैं इन अ सर्कुलर मोशन, दैट विल बी कॉन्स्टेंट, और जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं दैट ऑल विल बी वेरिएबल। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई इज सर्कुलर मोशन पॉसिबल? सो इसमें आंसर होगा, ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन इज पॉसिबल। क्योंकि अगर किसी बॉडी पे अंदर की तरफ फोर्स नहीं लगेगा तो वो घूमेगी कैसे? अब सोचिए, अगर कोई बॉडी है उस पर बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है तो वो तो बाहर की तरफ चली जाएगी। जब तक सेंटर की तरफ फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो बॉडी अंदर की तरफ कैसे जाएगी? और फिर हम उसे घुमाते भी रहते हैं, तो जब डायरेक्शन चेंज होती है और अंदर की तरफ फोर्स भी लगती है तो हमें क्या मिलता है? एक सर्कुलर पाथ मिलता है। अब ये बॉडी जिस वेलोसिटी से घूम रही होती है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे ओमेगा, एंड दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी से घूम रही है, ये v तो उसकी लीनियर वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से उसका लीनियर मोशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड v, एंड इट इज लीनियर वेलोसिटी।
ओके, तो मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है ना। अब देखते हैं इसमें नेट फोर्स कहाँ है, क्योंकि हम लोगों को नेट फोर्स से काफी चीजें पता चलती है। तो अब देखते हैं कि सर्कुलर मोशन में नेट फोर्स कहाँ होता है। ओके, सो यहाँ पे केवल एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ नेट इज इक्वल टू एफ सेंट्रीपिटल, या फिर लिख सकते हैं एक्सेलरेशन नेट, दैट इज रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब देखते हैं नेट लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगा। नेट लीनियर एक्सेलरेशन, नेट लीनियर एक्सेलरेशन विल बी टुवर्ड्स द सेंटर, और वी कैन कॉल इट रेडियली इनवर्ड। और टुवर्ड्स द सेंटर कौन सा एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो कह सकते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर और इट इज ऑलवेज रेडियली इनवर्ड। अब देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कुछ एग्जाम्पल्स। अब फर्स्ट एग्जाम्पल है अर्थ और सन का मूवमेंट, या फिर कह सकते हैं मून और अर्थ का मूवमेंट। अब अर्थ सन के सर्कुलर मोशन में कवर करता रहता है सन को, हमेशा उसके अगल बगल क्या करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है और अपनी एक्सिस पे रोटेट करता रहता है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। और इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन है, ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो प्रोवाइड करती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब साइक्लिस्ट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, तो उनमें भी क्या आता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। थर्ड इज इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इन एन एटम, वो न्यूक्लियस के अगल बगल रिवॉल्व करता रहता है इन अ सर्कुलर पाथ, और उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का रोल कौन प्ले करता है, हाँ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वहां पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। अब आते हैं, अगर आप किसी स्टोन को एक स्ट्रिंग से या फिर एक किसी रोप से बांध के गोल गोल घुमाएं, तो उसमें जो स्ट्रिंग है उसमें लगती है टेंशन फोर्स, जो एक्ट करती है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे टेंशन फोर्स प्रोवाइड करती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब देखते हैं जो क्लॉक का मूवमेंट है वो भी सिग्निफाई करता है क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और इसमें भी लगती है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हम लोगों ने देख ली है सेंट्रीपिटल फोर्स और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसकी वजह से वो पॉसिबल होता है। अब देखते हैं एक और फोर्स आती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको हम कहते हैं इमेजिनरी फोर्स, और इट इज अ फोर्स विच डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर्स लोकेशन। अब देखते हैं कैसे डिपेंड करती है ऑब्जर्वर की लोकेशन पे। अब देखते हैं व्हेन ऑब्जर्वर इज इन अ नॉन रोटेटरी फ्रेम, नॉन रोटेटरी फ्रेम मतलब कि जो बॉडी घूम रही है उसमें ऑब्जर्वर नहीं है, ऑब्जर्वर उसके बाहर खड़े उसे देख रहा है। जैसे यहाँ पे ए जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेकिन जो ओ है दैट इज आर ऑब्जर्वर, वो बाहर खड़े होकर ए को देख रहा है। अब वो हमें बताएगा कि ए के बारे में उसे क्या क्या समझ में आता है। अब ओ ने सबसे पहला पॉइंट बताया दैट ए इज इन सर्कुलर मोशन। ओके, करेक्ट है कि ए सर्कुलर मोशन पे है। फिर ओ ने देखा कि अगर सर्कुलर मोशन में ए है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, चेंज होगी। तो अब वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो ए के पास कोई एक्सेलरेशन होना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी चेंज केवल एक्सेलरेशन की वजह से होती है, बिना एक्सेलरेशन के वेलोसिटी चेंज हो नहीं सकती। तो इसने बताया कि दैट ए को सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है एंड दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसी के एक्सेलरेशन की वजह से क्या चेंज हो रही है, वेलोसिटी। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है जिसकी वजह से चेंज हो रही है वेलोसिटी। अब ये रियलिटी है कि सच में वहां पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है, क्योंकि जब हम किसी को घूमते हुए देखते हैं तो हम स्टेशनरी स्टेट पे हैं, तो हम एक्चुअल बता सकते हैं कि हो क्या रहा है। अब ओ ने कहा अच्छा ए तुम बाहर आओ, अब मैं अंदर जाता हूँ और मैं सर्कुलर मोशन करने लगता हूँ। तो अब ओ अपने बारे में बताएगा और ए बस उसे बाहर से देख रहा है। तो ओ ने अपने बारे में बताया कि मैं ओ इज इन सर्कुलर मोशन। ओके, हमें भी दिख रहा है ओ सर्कुलर मोशन में है। अब उन्होंने कहा कि मेरे पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है जैसे मैंने बाहर बताया था। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, तो ऐसा क्यों है कि मेरे आसपास में जितनी भी चीजें हैं वो सब मुझे रेस्ट में दिखाई दे रही हैं। अब आता है
कि अगर आप जैसे घूम रहे हैं या फिर आप एक जायंट व्हील, अम्यूजमेंट पार्क में आपने देखा होगा जायंट व्हील, उसमें जब आप बैठते हैं तो आप घूम रहे होते हैं, लेकिन जो आपके साथी बैठा होता है वो रेस्ट पे दिखता है आपको। आप दोनों लोग तो घूम रहे होते हैं, लेकिन जब आप दूसरे को देखते हैं तो देखते हैं कि वो रेस्ट पे है। इसका मतलब वो रेस्ट में क्यों है? जितनी भी चीजें हैं ओके अगल बगल, वो सब रेस्ट पे है। जब फोर्स लग रहा है, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, तो कोई बॉडी रेस्ट पे कैसे है? तो वो ने सोचा कि मुझे करेक्ट रहना है, हमेशा करेक्ट रहना है, तो मैं क्या करूं? उसने कहा कि मैं खड़ा हूं, मेरे पे एक अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो रही है, लेकिन बाहर की तरफ मेरे पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रही है, इसलिए मैं हमेशा रेस्ट पे हूं। लेकिन ये इमेजिन कर रहा है वो, ये ट्रू नहीं है, ये अपना केवल कॉन्सेप्ट सच बताने के लिए बता रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है, जबकि कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहां एक्ट नहीं कर रही है, क्योंकि जब वो रोटेटरी फ्रेम के अंदर गया तो उसे लग रहा है कि मैं रेस्ट पे हूँ क्या, बट वो एक्चुअली रेस्ट में है, लेकिन वो एक्चुअली रेस्ट पे नहीं है। ये केवल उसका एक वहम है, जिसकी वजह से वो बता रहा है कि मुझ पे एक बाहर की तरफ फोर्स लग रही है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब देखते हैं ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसने डिफाइन की दैट इट इज ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड और वी कैन से अवे फ्रॉम द सेंटर, या फिर हम कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स के हमेशा अपोजिट रहती है। तो अगर हम इसको वेक्टरली डिफाइन करेंगे तो एफ सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ सेंट्रीफ्यूगल। अब ये नेगेटिव क्या शो करता है? ये हमें डायरेक्शन शो करता है कि दैट सेंट्रीफ्यूगल हमेशा ऑपोजिट है किसके? सेंट्रीपिटल के। लेकिन जो इसका मॉड्यूलस है या फिर इसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, जिसकी वजह से ये दोनों फोर्सेस कट करती हैं एक दूसरे को, और जो ओ है हमारा वो रेस्ट में रहता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है ये केवल एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, जो ओ हमारा ऑब्जर्वर है उसने बनाया जिससे वो अपना पॉइंट प्रूव कर सके। अब हम लोगों ने पूरा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ लिया है, अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी इज सी वेरिएबल, आइडेंटिफाई द फिक्शियस फोर्स, फिक्शियस मतलब इमेजिनरी, सो द इमेजिनरी फोर्स इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, स्पीड ऑफ द कार इज 1 मीटर, रेडियस इज 3.14 सेकेंड। अब 3.14 क्या होता है? 3.14 होता है पाई, तो हम लिख सकते हैं पाई सेकेंड में जिस सर्कल का रेडियस था 1 मीटर, उसमें जो कार थी उसकी स्पीड क्या थी? सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए डिस्टेंस कौन सा होगा? डिस्टेंस हम लेंगे उसका सर्कमफेरेंस, क्योंकि जब कार सर्कुलर मोशन में चलती है तो वो उसके अंदर नहीं उसकी सर्कमफेरेंस में चलती है। इसका मतलब डिस्टेंस होगा 2 पाई, एंड आर इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम इज पाई, सो पाई से पाई कटा, एंड वी इज इक्वल टू 2, तो आंसर होगा ए 2 मीटर पर सेकेंड। मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ इज, मैंने जैसे बताया था, अगर इसमें आपको दिया जाए कि अगर हम बात करें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की जो हमने आपको पढ़ाया, तो आंसर होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, या फिर हम कह सकते हैं कभी कभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन भी कहा जाता है, क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन इसमें आंसर नॉन यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। अब आते हैं क्वेश्चन 5 पे, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब भी डायरेक्शन चेंज होगी तो वेक्टर क्वांटिटीज चेंज होती हैं, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा? चेंज होगा, तो इसमें क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म। अब आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड या जीरो एक्सेलरेशन, आंसर होगा एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि एक्सेलरेशन की हर बार डायरेक्शन बदलती है। क्वेश्चन नंबर 7, अ कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 22/7 मीटर पर सेकेंड। अब 22/7 को हम लोग क्या कहते हैं? पाई कहते हैं, तो यहाँ पाई मीटर पर सेकेंड लिख लेते हैं। ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 मीटर फाइंड द टाइम टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन।
सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो द डिस्टेंस इज 2 × 2 into pi upon speed is pi, pi से pi कटा और answer is 4 seconds. Answer A, 4 seconds. Question number 8. A body is moving along a circular path with variable speed. It has a variable speed की बात की है लेकिन ये हमारे syllabus में नहीं है. इसका answer होगा 1 and 2 क्योंकि जब variable speed आ गई इसका मतलब एक tangential acceleration भी है. मतलब जब v कॉन्स्टेंट नहीं होगा दैट इज वी स्पीड कॉन्स्टेंट नहीं होगी कब जब उसकी तरफ एक एक्सेलरेशन होगा दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. लेकिन अभी ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसे लीव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. क्वेश्चन 10. मोशन इन सर्कुलर पाथ इज पॉसिबल. ये मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स व्हिच इज ऑलवेज रेडियली इनवर्ड और टुवर्ड्स द सेंटर. तो हम लोगों ने 4th chapter पूरा कंप्लीट कर लिया है. हर एक एक चीज को हम लोगों ने बहुत बारीकी से पढ़ा है और उस चीज के क्वेश्चन भी लगाए हैं. तो अब 4th chapter पूरी तरह से कंप्लीट होता है. तो ऐसे ही पढ़ते रहिए. ऑल द बेस्ट और अपनी बुक के क्वेश्चंस भी लगाते रहिए.